नमस्कार, आज हम आपको अंक शास्त्र के माध्यम से जादुई वर्ग बनाना आपके माध्यम से सीखेंगे। अंकों का संबंध हमारे धर्म से है और वो कौन से अंक हमारे लिए लाभदायक हैं हम इसका पता करते रहते हैं, कौन सा यंत्र हमारे लिए आवश्यक है हम पता करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कौन सा यंत्र कैसे बनता है। जैसे सूर्य यंत्र, सोम यंत्र, बुध यंत्र, गुरु यंत्र, शुक्र यंत्र, शनि यंत्र, ये सब यंत्र हैं, धार्मिक यंत्र हैं जो कि हमें अपने जीवन में बहुत ही जरूरी है। सूर्य यंत्र ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए, सोम यंत्र हमारे जीवन में खुशहाली लाने के लिए हैं। इसी प्रकार अनेक जो ये नव यंत्र हैं इनके बारे में हम अध्ययन करते हुए छात्रों को भी बताना चाहेंगे कि ये गणित आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यह प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में है, जिसे कि आप देखते होंगे वो हब्सिक फैड नाम से है, जिसको हम सरल रूप में आपको यंत्र के माध्यम से बताते हैं। यदि आप संख्या एक लेंगे, गिनती एक लेंगे और यह वर्ग बनाएंगे जैसा कि ये बना हुआ है, देखिए यह वर्ग एक ऐसे बना है, वर्ग के अंदर नौ वर्ग बने हैं। हम एक गिनती लेंगे और एक से नौ तक की संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे तो वह कहलाएगा सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र अब सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसका एक बनाने का नियम है और नियम यह है कि सूर्य यंत्र ऐसे बनते हैं कि चाहे ऐसे आड़ी तिरछी ऊपर नीचे चाहे जैसे जोड़ेंगे उसका योग बराबर ही आना चाहिए और आता है। जो भी यंत्र आप देखेंगे सभी यंत्रों में यह योग बराबर आता है। कैसे आता है उसका बनाने की एक विधि है, आइए पहले विधि को जानते हैं, विधि को जान लेते हैं उसके बाद सूर्य यंत्र बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां से चालू करेंगे, लिखेंगे एक। अब यहां से मैंने चालू किया, ये पहला है तो हम इसको चिन्ह बना देते हैं कि मैंने यहां से चालू किया। उसके बाद जाएंगे सीधे ये यहां पर, अगर एक यहां है तो दो यहां होगा, उसके बाद तीन, तीन यहां से होगा, ये जेड बना लीजिए आप, ये जेड बन गया, अंग्रेजी के अक्षर का जेड बन गया। जैसे जैसे जा रहा है आप बनाते जाएंगे, तो ये तीन चार पांच छ सात जो बच गया उसको ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे, बचा है ये और ये, तो हो गया सात, यहां आठ और नौ। आप किधर से भी जोड़ेंगे जोड़ के देख लीजिए, नौ चार तेरह दो पंद्रह, पांच चार नौ छह पंद्रह, आठ एक नौ छह पंद्रह, सब तरफ योग समान आ रहा है, चाहे आप ऐसे जोड़ें चाहे ऐसे जोड़ें। नौ पांच चौदह एक पंद्रह, हर तरफ से पंद्रह आएगा, ये पंद्रह पंद्रह ही आएगा, ये सूर्य यंत्र की विशेषता होती है। अब आपने जान लिया कि ये ऐसे बनाएंगे, एक बार अभ्यास कर लें, ये बनाने का अभ्यास करें कैसे बनेगा। ये देखिए पहले रफ में ये खींच के बना लें, अभ्यास कर लें, ये इस तरीके से वर्ग बना लेंगे और ये पहला रहेगा, यहां से जाएगा ये नहीं, यहां से निकल के आएगा। उसके बाद आपको हमने बताया था जेड बनाएंगे, ये जेड, फिर ऊपर से नीचे, जैसे तीर लगती है आप जानते हैं ये तीर चल रही है, तो तीर चलता है कुछ दूर अंदर चलता है, दिखाई नहीं पड़ता, तो यहां दिखाई नहीं पड़ेगा, जहां दिखाई पड़ेगा वहीं आपको निकालना है। तो ये फिगर आप समझ जाएंगे तो इसी हिसाब से आपको चलना है, और ये जेड जेड ये सीधा। अब सूर्य यंत्र हो गया, इस तरीके से सूर्य यंत्र बनाएंगे। अगर सोम यंत्र बनाना होगा,
सूर्य यंत्र में मैंने एक से चालू किया था, तो सोम यंत्र में दो से चालू करेंगे। यहां पर भरेंगे, ये बना लेते हैं एक वर्ग, ये मैंने वर्ग बनाया, नियम यही रहेगा। अब ये एक से है, ये दो से रहेगा। अगर एक है तो रवि यंत्र या सूर्य यंत्र, दो रहेगा तो सोम यंत्र होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बनाने का नियम यही, फार्मूला यही रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत नियम है, किसी का नकल या कहीं लिखा हुआ आप नहीं पाएंगे। तो ये दो, और जैसे कि ये तीर दिख रही है, यहां से आई तीर यहां निकली है, तो ये तीन। फिर मैंने कहा था जिड, जैसे जिड गया है वैसे तीन हो गया, तो यहां चार पांच छ सात आठ, जो बचा नौ दस। अब आप इसको जोड़ना चालू करेंगे तो दस तीन तेरह पांच अठारह, छ चार दस आठ अठारह, सात दो नौ नौ अठारह। अगर आप ऐसे जोड़ते हैं, सात छह तेरह पांच अठारह, अगर आप ऐसे भी जोड़ देंगे तो छह तीन नौ नौ अठारह। यानी योग हर प्रकार से, हर योग और समान ही योग आएगा, यह इसकी विशेषता है, सोम यंत्र की विशेषता है। योग अठारह आएगा और रवि यंत्र की विशेषता है वो पंद्रह आएगा। इसी प्रकार से आप खुद बनाएं और चेक करें कि किस यंत्र में कितना आएगा योग। और अब आपको करना क्या है कि तीन से, अगर आप तीन से बनाएंगे तो वो बुध यंत्र, बुध यंत्र, बुध यंत्र रहेगा। चार रहेगा गुरु यंत्र, गुरु यंत्र। पांच रहेगा शुक्र यंत्र। और छह से चालू करेंगे तो शनि यंत्र, शनि यंत्र। इस प्रकार से आप कोई भी यंत्र बना लें, आप बना लेंगे। ये धार्मिक अनुष्ठानों में भी काम आता है और प्राथमिक की कक्षाओं में, कक्षा पांच और चार में यह सवाल हप्सिक फैड नाम से दिया गया है, जो समझने में थोड़ा दुरूह है। ये सरल है, कहिए तो एक बार फिर पुनः मैं दोहरा देता हूं। देखिए, ऊपर से चालू करेंगे, यहां से डायरेक्ट यहां पर आएगा, एक खाना कूद के जाएगा, उसके बाद जेड बनाएंगे, जेड बनाने के बाद जो बचा ऊपर से नीचे। दो से चालू किया, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। इसी प्रकार अगर तीन से बनाएंगे तो मैं इसको मिटा कर दिखा देता हूं कि तीन से कैसे बनेगा। एक प्रकार से यही हम करते हैं, ये संख्या हमने मिटा दिया और फिर इसका योग भी देख लीजिए, हर ओर से चाहे जैसे आप बनाएं वह योग बराबर ही आएगा। अब यहां तीन से करते हैं, तीन तो यहां डायरेक्ट आएगा चार, और फिर बचा जेड का, जेड के अनुसार चलेंगे, पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अब इसका योग देख लीजिए कितना आता है। अब देखिए, नौ चार तेरह, तेरह आठ इक्कीस, सात तीन दस ग्यारह इक्कीस। जिस तरफ से भी आप जोड़ेंगे वो कुल मिलाकर के 21 ही आएगा। कहने का तात्पर्य यह कि आप इस यंत्र के हिसाब से जो भी संख्या चालू करेंगे और क्रम से भरते जाएंगे, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, दोबारा प्रयोग नहीं होगी। हर प्रत्येक संख्या का एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, लेकिन लगातार क्रमिक आने वाली संख्या रहेगी। जैसे कि एक से चालू कर रहे हैं तो नौ तक जाती है, दो से चालू कर रहे हैं तो ये देखिए दस तक जाती है, तीन से चालू करते हैं तो ग्यारह तक जाएगी, अगर चार से चालू करेंगे तो बारह तक,
पाँच से चालू करेंगे 13 तक, 6 से चालू करेंगे 14 तक जाएगी, अर्थात संख्या वही संख्या क्रमिक रहेगी, ये योग बदलता रहेगा और यंत्र का नाम बदलता रहेगा अतियोग। ऐसा आप स्वयं बना सकते हैं। ये 8 बस इतना ही। जय हिंद।